Subscribe and click the bell icon for television updates. Hey guys, hi, this is Dheeraj Rai and you're watching me on Tele Bites. Keep watching. शो बहुत ही दिलचस्प है, बहुत सारे लेयर्स हैं, बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं। जैसे इंद्रधनुष में कई सारे रंग हैं ना, वैसे शो में बहुत सारे रंग हैं। इमोशन है, ड्रामा है, चुलबुली चटपटी बातें हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट एक सोशल मैसेज है। यार मैं कैरेक्टर के बारे में ना डिस्क्लोज़ नहीं कर सकता हूँ, उसके लिए आपको शो देखना पड़ेगा। बट एक वादा ये कर सकता हूँ कि कैरेक्टर बहुत दमदार है, बहुत मज़ेदार है और आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। जैसा कि नाम से ही काफ़ी कुछ क्लियर हो जाता है, नाटी पिंकी की लंबी लव स्टोरी। और जब चैनल के और क्रिएटिव लोगों ने मुझे इसके बारे में बताया तो बस ऐसा लगा, दिल से आवाज़ आई कि नहीं यार, ये शो किसी भी हालत में करना है, कीमत पे करना है। पूरे अच्छे तरीके से ऑडिशन देने की कोशिश की और फाइनली टचवुड मैं सिलेक्ट हुआ। आई फील लकी कि ऐसे शो का हिस्सा हूँ जो इतनी प्यार भरी मुस्कान आपको देगा, इमोशंस देगा, हंसाएगा, रुलाएगा, मस्ती के मौके देगा, उसके साथ में आपको बहुत प्यारा सा सोशल मैसेज भी देगा। हम लोग पिछले कुछ दिनों से शूट कर रहे हैं और टचवुड यार को स्टार्स बहुत ही बेहतरीन मिले हैं, एक से एक को स्टार्स हैं। पहले तो मैं दादी जी के बारे में कहूँगा कि उनको बचपन से देखा है, विश्वजीत सर के बारे में कहूँगा, बचपन से देखते आया हूँ। तो ऐसे लोगों के साथ में स्क्रीन शेयर करना बहुत ही एक सौभाग्य की बात है, बहुत कुछ देखा है अब तक और अब उनके साथ में काम कर रहा हूँ तो इससे बड़ा सपना कुछ हो नहीं सकता। सेकेंडली पिंकी के बारे में कहूँगा तो पिंकी भाई जितनी छोटी है उतना उससे अपोजिट टैलेंट उसमें भरा पड़ा है, कूट कूट के। पता नहीं भगवान ने कैसे कूटा टैलेंट, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। एक 10 पैसा मेरे में भी डाल देते उसके हिस्से का तो शायद मैं भी ब्लेस्ड फील करता। और अर्जुन है, अर्जुन बहुत ही टैलेंटेड है, बहुत ही हम्बल, डाउन टू अर्थ, ऑनेस्ट बंदा है। सो आई फील लकी एंड हैप्पी कि मेरे को ऐसे अच्छे को एक्टर्स मिले। फैंस यार मतलब मेरे लिए सब कुछ है, अपनी लैंग्वेज में बोलूँ तो भाई लोग तुम लोग का ही साथ है यार, तुम लोग नहीं तो अपन कुछ भी नहीं। तो जैसा अभी तक सपोर्ट किया अपन को वैसे ही आगे करने का, क्या बोलते है कि नहीं? प्यार मांगता है, सपोर्ट मांगता है भाई लोग, तुम लोग का दोस्त आया इधर। यार प्लीज़ 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 सपोर्ट करो इसको, मुझे सपोर्ट करो। नाटी पिंकी की लंबी लव स्टोरी बताइए, बताओ ना। चलिए तो नाटी पिंकी के बारे में बताते हैं। तो हम हैं नाटी पिंकी और नाटी पिंकी ही नाटी पिंकी है। बेसिकली जो जिन लोगों को आजकल ये एक चीज़ें देखनी पड़ रही हैं, झेलनी पड़ रही हैं कि तुम नाटे हो, तुम मोटे हो, तुम छोटे हो, तो कुछ यही कॉन्सेप्ट इसमें भी है। इन सारी चीज़ों को, इन सारी बंदिशों को तोड़ने के लिए शो आ रहा है और हम लोग बहुत इन्जॉय कर रहे हैं ये शो लाते हुए कि हम महज ना सिर्फ सबको इंटरटेन कर रहे हैं, मैसेज भी दे रहे हैं, रुला भी रहे हैं और सबके साथ हंसा भी रहे हैं। हाँ, हंसा भी रहे हैं और सबको अपने आप से कनेक्ट भी कर रहे हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अर्जुन प्ले कर रहा हूँ इसमें और मेरा कैरेक्टर ऐसा है, थोड़ा सा इंटेंस सीरियस टाइप का है, क्लोज्ड है, ज़्यादा ओपन नहीं होता और एक इमोशनली अनअवेलेबल है और अपनी लाइफ है जो उसे अपनी तरह से लीड कर रहा है। ज़्यादा बिजनेस, अपने बिजनेस पे ध्यान देता है, अपनी फैमिली है, वो सब चीज़ें हैं। और पिंकी के साथ एक अलग कनेक्शन है जो कि आपको शो में देखने को मिलेगा। पिंकी और उसकी फैमिली के साथ में एक अलग कनेक्शन है। ध्यान से देखिए मुझे। जो किया गया आपको दिखेगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब अगर मैं कुछ सही नहीं करती हूँ तो ये मुझे टोकते हैं और जब ये कुछ सही नहीं करते तो मैं नहीं टोकती हूँ। क्योंकि मुझे टोकना पसंद नहीं, क्योंकि ये कुछ भी कौ बड़े हैं। मेरा तो काफ़ी ठंड भरा हुआ था। हम लोग रात में 12-1 बजे नाइट शिफ्ट था तो रात को शूट कर रहे थे और 2 बजे तक किया था और आप लोग वो सीन देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा हमने कौन सा सीन किया, क्योंकि उसमें हमारे ऐसे दांत कप कप आ रहे हैं, हम ऐसे हो रहे हैं और ऑफ कैमरा हम रोए भी, हम खास करके रोए।
मैं नहीं रोया था हम मतलब ये हम मतलब आप अंदर से रो रहे थे और मैं बाहर से रो रही थी। दादी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर एंड स्पेशली हाँ स्पेशली पिंकी और दादी की जो जोड़ी है वो बहुत अच्छी आने वाली है। बहुत अच्छे सीन्स आ रहे हैं इनके और आते रहेंगे। और दादी का मेरे साथ में अभी इतना कुछ खास हुआ नहीं है, बट हमारी भी केमिस्ट्री बहुत अलग होने वाली है क्योंकि हम दोनों के कैरेक्टर्स बिल्कुल अलग हैं। तो बेसिकली अगर दादी की अगर आप सॉरी मैं कंटिन्यू अगर आप बात दादी की कर रहे हैं नाटी पिंकी में, तो अगर नाटी पिंकी का एक जो जड़ होता है अगर आप कहें, तो उस जड़ की सबसे पहली पहरेदार दादी ही हैं जो कि आगे चल के हमारी जानू बनेंगी। तो वो जड़ को उपजाऊ बनाने के लिए जो योगदान दिया है उन्होंने, क्या हिंदी बोलने, जो योगदान दिया है वो हमारी दादी ने दिया है, भारती मैम ने दिया है। और जैसी वो रील में है वैसी वो रियल में भी है, सेम प्यार लाड मेरे लिए तो सेम है, बाकियों के लिए मेरे लिए भी सेम है, बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे सबको सेम ही प्यार करती है। बहुत सारी चीज़ें सीखनी हैं जो आगे मुझे लगता है कि सीखने को मिलेंगी। और काफ़ी प्रोफेशनल हैं वो, बड़ी स्वीट सी हैं, अपने काम से काम रखती हैं और किसी को मतलब ज़्यादा बहुत ज़्यादा ज्ञान देने की कोशिश नहीं करती। अगर आपको उनसे कुछ मतलब अगर आपको कुछ सीखना है या कुछ वो बताना चाहती हैं तो वो अपने मन से बताती हैं। हमारे लिए तो सभी सीनियर है तो हमें तो सबको ही फॉलो करना पड़ता है, इनसे भी हम सीखते ही हैं कि दाढ़ी कैसे कुछ जा सकते हैं, मतलब मेकअप के बाद, मेकअप के बाद कैसे ऐसे कैसे खुजाते हैं आप। मैंने तो यहाँ तक ऑब्जर्व किया कि उसको ऐसे 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 करते हैं ना कि ऐसे 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 करते हैं, तो मैं यहाँ इतनी छोटे छोटे पॉइंट्स भी इन लोगों से सीख रही हूँ। अच्छे एक्टर की खासियत होती है कि वो अच्छे से ऑब्जर्व करें, तो ये लेकिन ये गलत चीज़ ऑब्जर्व कर रहे हैं कि दाढ़ी आने नहीं वाली है फिर भी कोशिश कर रही है दाढ़ी कैसे खुजाए जाने की। तो मेरा मतलब वो है ना ऐसा अचीवमेंट पे मैं ऐसा ऐसा कर सकती हूँ ना। दादी का सबसे अच्छा कि प्रेजेंटेशन जब उनका होता है और जो उनका फोकस होता है जब वो सीन को करने के लिए जाती हैं वो मुझे हमेशा इम्प्रेस करती है। आप मैंने एक चीज़ और भी बहुत ही इम्प्रेस करती है मुझे कि दादी ने ग्लिस नहीं लिया। एक सीन था जिसमें रोना था उन्हें पिंकी के लिए और उस टाइम दादी ने सिर्फ इमोशन को अपने अंदर फील किया और वो रोने लगी और उनकी आँखों में प्रॉपर आंसू थे। तो जिस इंसान को हमने हमेशा हंसते हुए देखा है, भारती मैम को अक्सर हम लोगों ने कॉमेडी शोज में देखा है, उस इंसान को जब हम ऐसे फूट के रोता हुआ देखते हैं तो हमारा दिल ही दहल जाता है। उस टाइम मैंने भी ग्लिस नहीं लिया इसलिए क्योंकि जब मैंने भारती मैम को रोते हुए देखा तो मैं अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाई और मैं भी फूट फूट के रोने लगी। तो आप समझ सकते हैं कि भारती मैम को मतलब कितना हम लोग कितना उनसे कितनी बड़ी वो इंस्पिरेशन है हम लोगों के लिए। एज एन एक्टर मैं हर एक मोड़ पे चाहूँगी कि मैं उन्हें ऑब्जर्व करूँ, उनसे सीख ले सकूँ और बस उनसे अच्छी चीज़ें सीख सकूँ और बुरी चीज़ों पे मेरा ध्यान ना जाए। दर्शकों को इसलिए देखना चाहिए क्योंकि एक आम इंसान की कहानियाँ हैं, बहुत ज़्यादा आपको ऐसे डिसकनेक्ट फील नहीं होगा इसको देखने में, आपको ऐसा लगेगा जैसे हमारी स्टोरी चल रही है। तो इस लेवल पर जाकर, ग्राउंड लेवल पर जाकर ये शो बनाया जा रहा है और बड़ी अच्छे अच्छे कैरेक्टर्स हैं और बच्चे से लेके बड़े तक, 5 साल 3 साल से लेके 80-100 साल तक के इंसान भी इसे देख सकते हैं। बता दिया जो इसका मतलब इसमें कोई एज ब्रैकेट नहीं है जिसको पर्टिकुलरली पसंद आने वाला है, सभी को पसंद आएगा। साल की नहीं हूं, ठीक है मैं बच्चों की बात कर रहा था तो वो देख सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जो सीखने को मिलेंगी, देखने को मिलेंगी, समझने को मिलेंगी और एंटरटेनमेंट सो उनको सभी को देखना चाहिए और देखें 27 जनवरी से जो आने वाला है। हाँ, वो पूरी लाइन बताइए ना, बहुत अच्छा, आपको बहुत अच्छा बोलते हो, पूरा लाइन बोलो ना। हाँ, 27 जनवरी से मंडे टू फ्राइडे 9:30 ओनली ऑन कलर्स एंड बूट। दर्शकों को तो बहुत सारे रीजंस हैं जिसके लिए देखना चाहिए जिसके लिए देखना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये जो लोगों के अंदर ये जो पॉइंट एक अभी बन चुका है कि नाटा छोटा मोटा पतला, इसको तोड़ने के लिए ये स्टोरी देखनी चाहिए। और दूसरी बात, अभी जो भी कुछ जितने भी ड्रामा आए हुए हैं उन ड्रामा को थोड़ा सा तो ये मात दे रहा है, तो उस वजह से भी आप लोग फैमिली जैसे आप मटर छीलते हुए भी बैठ के देखोगे अगर इसे तो आप छीलते आप खा भी सकते हो और बाद में आपको पता चलेगा अरे यार यार पिंकी के चक्कर में पेट खराब कर बैठे अपना। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको बहुत करने करेंगे, मज़ेदार होंगी और आप कभी
पकेंगे नहीं इससे। सबसे बड़ा एग्जांपल मैम है खुद। यस शायद हमारा पहला प्यार। हम सब लोग हमने सारी रात शूटिंग की है। नहीं नहीं हमने बहुत मेहनत बहुत सबने बहुत मेहनत की है और हर किसी के चेहरे पे स्ट्रेस दिख रहा होगा, लेकिन आप लोग मैम को देख लीजिए, ऐसे लगेगा कि अभी अभी नहा के सो के एकदम मस्त आई है। 10-12 घंटे घर पहुंची हूं और यहां पे 9 बजे पहुंच गई हूं। तो इनसे इतना मोटिवेशन मिलता है कि आप लोग समझ सकते हैं। पर सब लोग मेहनत कर रहे हैं बहुत और प्यार से मेहनत कर रहे हैं। सबकी कोशिश है कि सीरियल बहुत अच्छी बने और लोगों को पसंद आए, और आई एम श्योर कि लोगों को बहुत पसंद आएगी। जैसे मैंने कहा कि एनी एज एवरीबडी कैन कम एंड सिट टुगेदर एंड सी दिस। यस यस एक्चुअली मैंने सिर्फ ये गहने कभी पहने नहीं इतने नहीं एक्सपेक्ट क्या करना, मुझे सिर्फ बुरा लगेगा कि लोग अगर सिर्फ मुझसे कॉमेडी एक्सपेक्ट कर रहे होंगे तो वो मुझे बहुत बुरा लगेगा, क्योंकि इसमें सारे मतलब इमोशंस भी हैं, कॉमेडी भी है, कॉमेडी नहीं है, लाफ्टर है, स्माइल है, और कुछ नसीहतें भी हैं, कुछ सीखने को भी मिलेगा। तो दिस काइंड ऑफ अ कैरेक्टर यू टेंड टू गेट ओनली इन द थिएटर, जो मुझे इसमें करने को मिल रही है, मैं बहुत खुश हूँ।